PSL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में नासिर जमशेद की अबूरी मौतली के खिलाफ दरख्वास्त पर PCB एंटी करप्शन यूनिट ने डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल में जवाब जमा करवा दिया। नासिर जमशेद के वकील 16 जून को जवाब दर जवाब जमा करवाएंगे। उधर नासिर जमशेद के वकील हसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PCB के पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैं बड़ा होपफुल हूँ कि बज़ाहिर मुझे ऐसी कोई एविडेंस लग नहीं रही कि जो नासिर जमशेद के खिलाफ PCB ने कोई कलेक्ट की हो जिसकी बुनियाद पर उन्होंने हमें सस्पेंड किया है। PCB के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी का कहना था कि हमने नासिर जमशेद से पूछा है कि इंग्लैंड में इनके खिलाफ किस बात पर इंक्वायरी हो रही है। आपको लंदन में NCA जो नेशनल क्राइम एजेंसी है वो क्यों आपको इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन्होंने क्यों आपको गिरफ्तार किया और क्यों आप बेल पे हैं, आपका पासपोर्ट क्यों उन्होंने रख लिया था? और चूँकि उन्होंने कहा जी मुझे मेरा पासपोर्ट आज मिल गया है वापस, उनके वकील साहब ने कहा, तो हमने कहा ठीक है आप डिटेल बताइए आके कि आपको क्यों इंटेरोगेट किया जा रहा है, क्योंकि हर प्लेयर जो इस ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो रहा है वो ये कह रहा है कि हमें नासिर जमशेद साहब ने उस फिक्सर से मिलाया था। तफज्जुल रिजवी ने दावा किया कि नासिर जमशेद के वकील ने डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल को आगाह किया है कि बल्लेबाज का पासपोर्ट इनको वापस मिल गया है। कैमरामैन बिलाल जफर के साथ हाफिज शहबाज अली 24 न्यूज़ लाहौर।